Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will give you the guidelines of chapter 14, anti-arrhythmic drugs. एंटीअरिथमिक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से मोस्टली आपका प्रोफ में एससीक्यू आता है, तो इसके सारे एससीक्यूज और एमसीक्यूज टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी. इसके अलावा अगर आप कोई एससीक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेडिकल ग्लोब की एमसीक्यूज क्रैक्स और एमबीबीएस क्रैक्स बुक फॉलो कर सकते हैं. उसमें सारे इंपॉर्टेंट एससीक्यूज एमसीक्यूज और पास्ट यूएचएस एससीक्यूज और एमसीक्यूज भी दिए गए हैं. स्टार्ट वाला पोर्शन आपने सारा का सारा रीड आउट करना है और क्लासिफिकेशन आपने सारी अच्छे से करनी है. इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, जो ड्रग्स यहाँ पे मेंशन नहीं है वो थ्योरी में से आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लें, ठीक है. और समरी टेबल में भी जो ड्रग्स एक्स्ट्रा गिवन है और क्लासिफिकेशन में नहीं दी गई वो यहाँ आप ऐड ऑन कर लें, ताकि जब आप रिव्यू करें तो आपको परेशानी ना हो. पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये सारा का सारा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. फिर आती है आपके पास डेफिनेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. री एंट्रेंट एरिदमियाज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जाता है. फिर आती है आपके पास फिगर, जो कि इंपॉर्टेंट है बेसिकली एमसीक्यूज के लिए, फिगर 14.1, ठीक है. एमसीक्यूज के लिए और ओएसपी में भी आपको फिगर दी जा सकती है, तो इसकी समरी सारी आपने अच्छे से रीड आउट करनी है. ड्रग की क्लासिफिकेशन देखेंगे आप अच्छे से. क्लासिफिकेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट एससीक्यू बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. ग्रुप वन एंटीरिथमिक ड्रग्स में आपके पास आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. सारा का सारा आपने करना है, इसका मैकेनिज्म, इसके क्लिनिकल यूजेस और इसके एडवर्स इफेक्ट सारा इंपॉर्टेंट है. फिर आता है फिगर 14.3, जो कि इंपॉर्टेंट है ओएसपी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ग्रुप वन को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आता है आपके पास टेबल 14.1. टेबल 14.1 आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, तो ये अच्छे से आपने सारा का सारा अंडरस्टैंड करना है. पीआर इंटरवल, क्यूआरएस ड्यूरेशन, क्यूटी इंटरवल, ये बहुत ज्यादा आपको एमसीक्यूज में दिया जाता है. फिर आती है आपके पास फिगर 14.4, ये इंपॉर्टेंट है आपकी ओएसपी के लिए भी और अंडरस्टैंड करने के लिए भी, ठीक है. और इसकी सारी की सारी समरी आपने अच्छे से कर लेनी है. नेक्स्ट फिर अब हम देख लेते हैं. नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप टू एंटीरिथमिक ड्रग्स, इसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं. ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसको आपने अच्छे से करना है, टेबल से भी और थ्योरी से भी. फिर क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटीज वाला आप सारा का सारा अच्छे से रीड आउट करेंगे. फिगर 14.5 इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए और ओएसपी के लिए भी. फिर आता है आपके पास ग्रुप थ्री एंटीरिथमिक ड्रग्स, जिसमें पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं. ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. बेसिकली अमायोडारोन एक स्पेशल केस है जिसका आपको एससीक्यू आता है. ग्रुप फोर में आते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. फिर आती है आपके पास फिगर 14.6, जो इंपॉर्टेंट है ओएसपी के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी. इसलिए इसकी सारी की सारी समरी आप अच्छे से रीड आउट करेंगे. क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटीज आर इंपॉर्टेंट, इसको आपने रीड आउट करना है और टेबल से भी आपने करना है. इसके बाद आपके पास जो मिसलेनियस एंटीरिथमिक ड्रग्स हैं, ये सारी की सारी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. इनके नेम्स पता हो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता हो जस्ट एमसीक्यूज के लिए. फिर आते हैं आपके एमसीक्यूज पोर्शन, ठीक है. क्वेश्चंस, इनके स्टेटमेंट्स आपने अंडरस्टैंड करनी है और ऑप्शंस भी सारी अंडरस्टैंड करनी है. कोई ऑप्शन अगर ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, कैसे ट्रू है, और अगर कोई रॉन्ग है तो वो कैसे रॉन्ग है, इसकी भी रीजनिंग का सेपरेट से आपको एमसीक्यूज बनाकर दिए जा सकते हैं. फिर आंसर्स में जो आपको रीजनिंग दी गई है वो भी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपने समझनी है. इससे भी आपको सेपरेटली एमसीक्यूज बनाकर प्रोफ में दिए जा सकते हैं, तो सारा का सारा आपने अच्छे से करना है. चेकलिस्ट में बेसिकली एससीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपने चैप्टर प्रिपेयर करना है. फिर आते हैं आपके पास समरी टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल एससीक्यूज और एमसीक्यूज दोनों के लिए. सारा का सारा आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है. प्रोप्रेनोलोल ग्रुप टू में प्रोप्रेनोलोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams.
exams. Besides this series for SCQ and OSP, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.